हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई केम अप विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। तो उसका आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पोस्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है, इस बार जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का जो वैकेंसी है काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए काफी सुनहरा मौका है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और आप इस एग्जामिनेशन के लिए तो खासकर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और इसका कोर्सेस भी अवेलेबल है himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे। तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, मेरे वेबसाइट का जो लिंक है वो दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर आप कोर्सेज परचेस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको 40 प्लस प्रीवियस पीएसयू से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको और भी एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो काफी कुछ आपको मिलने वाला है। आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इतना अच्छा वैकेंसी आया है। ओके, यहां पे हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पोस्ट का। यहां पे जो वैकेंसी आया है, इसमें बता दूं आपको, यहां पे जो भी एग्जामिनेशंस यहां पे होते हैं जिसमें कि आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 120 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस जिसमें कि आपको 36 क्वेश्चंस आपका नॉन टेक्निकल से रहेगा और 84 क्वेश्चंस आपका टेक्निकल पार्ट से रहेंगे। नॉन टेक से आपका 36 क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 9 क्वेश्चंस आपका रहेगा कहां से, 9 क्वेश्चंस जीके का रहेगा, 9 क्वेश्चंस इंग्लिश, 9 क्वेश्चंस आपका मैथमेटिक्स और 9 क्वेश्चंस आपका जनरल अवेयरनेस का रहने वाले हैं। सो 36 क्वेश्चंस आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब 36 नॉन टेक्निकल का रहेगा, 36 जीके 9 और इंग्लिश 9 और मैथ 9 और रीजनिंग 9। सो टोटल मिलाकर 36 हो गया और 84 आपका टेक्निकल पार्ट का रहने वाला है। तो जो टेक्निकल पार्ट है उसका कोर्सेस अवेलेबल है himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे, तो वहां पे परचेस करिएगा। सो वहां से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सो आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टेक्निकल पार्ट का, जैसे आप देख सकते हो पेपर आता कैसा है, ठीक है। सो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए इस बार कि इतना अच्छा वैकेंसी आया है और क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हो कुछ ही क्वेश्चन हमें अभी डिस्कस करेंगे, तो आप जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सीएसआर कमिटी जो होता है, जो कि सेक्शन 135 के अंदर आता है सीएसआर, ठीक है। सेक्शन 135 के अंदर आता है, सेक्शन 135 वो कंपनी 2013 में इसे पूरा प्रोविजन दिया हुआ है सीएसआर से रिलेटेड। सीएसआर पूछा क्वेश्चन, सीएसआर कमिटी ऑफ ए बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ, उसमें 3 or more डायरेक्टर होते हैं, जिसमें कि कम से कम आउट ऑफ होम वन शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सीएसआर कितना करना चाहिए कंपनी को, मिनिमम 2% करना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 135 में पूरा प्रोविजन इससे रिलेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या बोलता है। इन केस ऑफ मारुति सुजुकी द यूनियन गवर्नमेंट सरेंडर्ड पार्शियल ओनरशिप एंड सोल्ड द मेजोरिटी स्टेक टू सुजुकी ऑफ जापान इन द कोर्स ऑफ टाइम, दिस इज अ केस ऑफ, एक इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सब जो भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। डीडीटी इसको क्या बोला जाता है, डीडीटी होता क्या है, ओके ये वो द अमाउंट चार्ज ऑन द अमाउंट डिक्लेयर्ड ऑन डिविडेंड, ओके ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आगे जैसे क्वेश्चन देख सकते हो कि जो टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन पेमेंट और क्रेडिट इन रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेक्शन 194C के अंदर आएगा, कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अदर देन एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ होता तो 1% होगा, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% होगा, ठीक है। तो 2% इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि अशोक इज ए हॉर्स डीलर, अशोक एक हॉर्स डीलर है, तौसिफ अप्रोच करता है अशोक के पास फॉर ए हॉर्स के लिए, अशोक लेंड्स ए हॉर्स विच ही नो टू बी विशियस टू तौसिफ, अशोक डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द हॉर्स बींग विशियस
अशोक ने बताया नहीं तौसिफ को कि हॉर्स के बारे में, द हॉर्स रैन अवे, हॉर्स वहां से भाग गया। तौसिफ इज थ्रोन एंड इंजर्ड अंडर बी सेक्शन ऑफ वेलवेट एंड प्लेस, यस तौसिफ इज रिस्पांसिबल, अशोक इज रिस्पांसिबल टू तौसिफ डैमेज सस्टेन, दिस तो सेक्शन 150 के अंदर आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैं बता दूं कुछ जानकारी के लिए आप लोगों के लिए। मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस कर लिया जूनियर एजुकेटिव फाइनेंस का, तो आप सिलेबस देख सकते हो जिसमें कि आपको मैं सारा डिटेल बताया हूँ कि आपको क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट होगा आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। बाकी आप कोर्सेस परचेस करोगे तो सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, पूछा है कि फुल फॉर्म पूछा है किसका, ISDA का फुल फॉर्म पूछा है। तो ISDA का फुल फॉर्म होता क्या है, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है डैश इज द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटी और इंस्ट्रूमेंट, द साइमल्टेनियस सेल एंड परचेस इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ प्राइस वेरिएशंस इन टू डिफरेंट मार्केट, इसको बोला जाता है आर्बिट्राज, आर्बिट्राज इसको बोला जाता है, ठीक है, आर्बिट्राज इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या बोलता है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट ऑफ डिविडेंड सब्जेक्ट टू द DDT 115 हो, तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, एन इंटरनल एड डेट मे एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन ए सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग व्हिच इज नोन एज एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या बोलता है, IRR वुड फेवर ए प्रोजेक्ट प्रपोजल व्हिच हैज, थोड़ा सा मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैवी कैश इनफ्लो इन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या बोलता है, सेक्शन 117 होगा, 117 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिटरमाइन द रूल ऑफ कंपनसेशन पेबल बाय एनी पार्टी लेबल टू द होल्डर एनी इंडोर्सर इन केस ऑफ डिसओनर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, यहाँ पे जैसा देख सकते हो, जैसे मैं आपको बताया था जब हम डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ सिलेबस का एक वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था मैं आपको कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें कि आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेट मीन्स कि आप अपने काम किया है तभी जा करके ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, बाकी जो टेक्निकल पार्ट है वो तो आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो, पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है जिसमें से पूछे क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका कंसेप्ट मतलब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको टेस्ट यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो विंडो की अगर आप क्लिक प्रेस करते हो, विंडो की प्लस अगर अपर जो एरो होता है उसको अगर प्रेस करते हो तो क्या होता है, मैक्सिमाइज द करेंट विंडो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या बोलता है, ओपीसी 1% कंपनी शैल फाइल ए कॉपी ऑफ द ड्यूली अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द अकाउंट्स। ओके, सो यहाँ पे लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते फिर से क्वेश्चन पूछा कंप्यूटर से रिलेटेड, इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर बाय प्रेसिंग, क्या प्रेस करोगे तो होगा, कंट्रोल प्लस के। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या बोलते, जैसे मैं बता दूं आपको, मैं पहले बता दिया था कि आपको AS एज वेल एज इंड AS और क्या पढ़ के जाना, AS इंड AS और कोस्टिंग में होता है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको देख लीजिएगा, कोस्टिंग में कौन होता है कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग में AS इंड AS और ऑडिटिंग में क्या होता है, ऑडिटिंग में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, AS इंड AS कोस्टिंग का कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो ये सब चीजें देख करके जाइएगा, नाम नंबर और अकाउंट क्या होता है, ICDS होता है जो कि इनकम टैक्स में आता है, 10 ICDS होते हैं, तो सारा का नाम नंबर याद करके जाइएगा, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स कौन सा AS में, तो AS 22 प्री मैच्योर विद्रॉ फ्रॉम द EPF कॉमन अंडर फिस सेक्शन, तो सेक्शन 192A के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या बोलता है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर एंड अदर पार्टी पेड इन्वेस्टमेंट बिल सोन अंडर कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं। तो यहाँ पे जो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो भी PL बैलेंस शीट बनता है, तो उसका एक बार ओवरव्यू देख लीजिए किसके अंदर क्या क्या चीजें आता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या बोलता है, ऑल द फ्लोइंग स्टेट टैक्स हैव बीन सबसम्ड अंडर GST, GST के अंदर सब कुछ आ गया, पर एक्सेप्ट क्या नहीं आया, तो सर्विस टैक्स नहीं आया, कुछ कुछ सर्विस टैक्स जो कि GST में नहीं आया। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए क्या बोलता है, द सर्टेनिटी इक्वेलेंट इज उसको बोला जाता है ए ग्रांटेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर ए रिस्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, AEPS स्टैंड फॉर, तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या बोलता है, द रेट ऑफ TDS फॉर रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना लगता है TDS, तो 10% का TDS है यहाँ पे। सो ये सब चीजें हैं,
ऐसा ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप देखे, आपने देखा इनकम टैक्स हो गया या फिर लॉ हो गया या फिर अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया, बहुत ही बेसिक सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसका कोर्सेस अवेलेबल है हिमांशु रंजन क्लासेस .in वेबसाइट पे। अगर आप कोर्सेस परचेस करोगे तो आपको ये पेपर जो दिख रहा है ये पेपर भी मिल जाएगा, और आपको वेरियस पीएससी के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, जिसमें कि आप पेपर सॉल्व करना आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले। आई होप सो दिस वीडियो इज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सो थैंक यू।